वेदा के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे HSG टेस्ट के बाद क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आगे की लाइफ में कोई परेशानी ना हो। HSG एक ऐसा टेस्ट है जो आजकल हर महिला जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है और बहुत समय से कंसीव नहीं हो रहा उन्हें कराना पड़ रहा है। ये HSG दो तरीके से होता है, एक पेनलेस और एक पेनफुल। अगर आप पेनलेस तरीके से HSG करवाते हैं तो HSG की रिपोर्ट ज्यादा अच्छी आती है, बट बहुत बार स्पाज्म की वजह से अगर आपने विदाउट पेनलेस टेस्ट करवाया है तो उसमें दिक्कत आती है। जैसे एक पेशेंट हमारे पास आई थी जिसका बायलैटरल कॉर्नियल ब्लॉकेज देखा था, पर जब हमने उसका HSG देखा और उससे पेशेंट से पूछा तो शी सेड मैम बहुत ज्यादा पेन हुआ था तो मुझे लगता है टेस्ट ठीक से नहीं हुआ। और जब हमने वही टेस्ट बेहोशी में यानी एनेस्थीसिया में करवाया तो उसकी दोनों ट्यूब्स परफेक्टली ओपन थी। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि जब भी आप HSG करवा रहे हैं आप प्रेफर कीजिए कि आप हल्की बेहोशी में HSG टेस्ट करवाएं। दूसरा, HSG टेस्ट कराने जाने के समय पे बिल्कुल हल्का खाना खाकर जाइए या फिर लैब में फोन करके पूछ लीजिए। अगर बेहोशी में होगा तो मिनिमम 6 घंटे की फास्टिंग इम्पोर्टेंट होती है। HSG टेस्ट होने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को माइल्ड स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। HSG टेस्ट होने के बाद में आप कोशिश करें कि हैवी वेट ना उठाए, ज्यादा ट्रैवल ना करें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरकोर्स 2 से 3 दिन तक अवॉइड करें या जब तक पेनफुल कंडीशन है तब तक आप रिलेशन ना बनाएं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी बहुत ज्यादा दर्द या कोई महसूस होता है या कोई तकलीफ होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। बहुत सारे पेशेंट्स आकर ऐसा बताते हैं कि HSG के बाद उनको किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक नहीं दिया गया है। इसका आपको खास ध्यान रखना है कि HSG होने के बाद 3 दिन मिनिमम डोज या 5 दिन मैक्सिमम डोज आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अगर आपको किसी ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके एंटीबायोटिक का 3 से 5 दिन का कोर्स जरूर कीजिए। इस टेस्ट के बाद आपको घर तक जाने के लिए 4-व्हीलर की जरूरत पड़ सकती है तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा जो साधन आपको आराम से घर तक पहुंचा दे उसी की व्यवस्था कर ही आप HSG टेस्ट कराने जाए। जितना ज्यादा रेस्ट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इन सब चीजों का ध्यान रखिए और खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए। धन्यवाद।